हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सोनिया गांधी से जब एक बार पूछा गया क्या आपको किंग बनना पसंद है, जवाब में सोनिया गांधी ने कहा, जी नहीं, मुझे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो किंग मेकर बनना चाहती हूँ। किंग मेकर कौन होता है, पहले आप ये जानिए, फिर आज के मेरे वीडियो का टॉपिक। किंग मेकर वो होता है जो दूसरों को सफल बनाने में क्षमता रखता हो, जिसके पास खुद की अपनी इतनी शक्ति होती है जिसका प्रयोग करके वो दूसरों को एक मुकाम तक पहुंचाता है और दूसरों की सफलता में ही उसकी खुद की सफलता निहित होती है। वो होता है किंग मेकर, जिसका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन दूसरों की खुशी में ही वो अपना खुश होना उसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा वो खुद अपने पावर के द्वारा, उसके पास वो पावर ईश्वर के द्वारा दी गई होती है, जिसका प्रयोग करके दूसरों को एक पावरफुल इंसान बनाने में वो खुद को सामर्थ्यवान पाता है। वो होता है किंग मेकर, जैसे कि चाणक्य। अब आज के युग में, कलयुग में, जहाँ सभी लोग अपने आप को लो फील कर रहे हैं, जहाँ सभी लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आज इस दुनिया में आए जो पूरी तरह से दुनिया की काया पलट कर दे, जो पूरी तरह से दुनिया से अधर्म मिटा दे, लेकिन आज हर किसी को किंग बनना है। किंग मेकर बनना बहुत कम लोगों को पसंद आता है। लोग ज़्यादातर किंग बनना चाहते हैं ताकि सत्ता उनके पास रहे और सत्ता की पावर भी उनके पास रहे, लेकिन कल के अवतार किंग बनने से ज़्यादा किंग मेकर बनने में विश्वास रखते हैं और उनका रोल एज अ किंग मेकर किन के लिए होगा, आज मेरे वीडियो में मैं बतलाने जा रही हूँ। वो इंसान जो उनके डिवोटीज होंगे, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि ऐसे भी इंसान जिनके पास खुद की बहुत अधिक ताकत है, सोचने समझने की सही रूप से शक्ति भी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कलयुग के भूल भुलैया में वो भटक गए हैं। ऐसे लोगों को सही राह दिखाना, यही कल के अवतार का काम है, जो वास्तव में डिजर्विंग पर्संस हैं। लेकिन आज डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी उनकी मनचाही मुराद वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। रिसेंटली आपने एक घोटाला पश्चिम बंगाल का देखा, जिसमें मेरिट लिस्ट में बहुत सारे टीचर्स आए थे, लेकिन धांधलेबाजी के वो शिकार हुए और उनकी नौकरी किसी और को दे दी गई। अब ऐसे लोग जो अपनी आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, जिनमें वास्तव में किसी पोस्ट पर बैठने का जो हकदार हैं और जिनमें वो सामर्थ्य है अपने गुणों को निखारने की, अपने गुणों को निखार कर वो दूसरों को भी सही राह पर ले आ सकते हैं, ऐसे डिजर्विंग पर्संस जो कि आज आगे बढ़ने से रोक दिए जा रहे हैं, ऐसे ही लोगों को और उन व्यक्तियों को जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं कलयुगी मनुष्यों की दुर्बुद्धि के कारण, ऐसे लोगों को जो वास्तव में नेक इंसान हैं, अपनी नेकी करना चाहते हैं, दुनिया को सही राह दिखलाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे कल की अवतार अपनी डिवाइन एनर्जी के द्वारा, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा, अपने डिवाइन इंटेलिजेंस के द्वारा उन लोगों का माइंड वो धीरे धीरे सेट करेंगे, चेंज करेंगे, जो कि सतयुग के लिए ज़रूरी है। कलयुग खत्म करके सतयुग की स्थापना, इसमें कल की अवतार का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बस वो इस धरती को, इस संसार को इस लायक बनाना चाहते हैं जिसमें कि इंसान
सुख चैन से रह सके और नकारात्मक ऊर्जा की उसमें कोई जगह ना हो। धरती अगर पवित्र बन जाती है, संसार अगर इंसानों के रहने के लायक बन जाता है, इसमें कुछ कल्कि अवतार को मिलेगा नहीं, लेकिन वो खुद से ज़्यादा उन इंसानों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं जो सतयुग में जाने के लायक हैं, जो डिजर्व करते हैं वास्तव में एक प्रोग्रेस को, एक सक्सेस को, लेकिन आज वो उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। तो कल्कि अवतार के पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा, उनके डिवाइन इंटेलिजेंस के द्वारा, उनके डिवाइन विजडम के द्वारा, उनके डिवाइन एनर्जी के द्वारा, वो इंसान, वो भक्त जो कि सही राह पकड़ना चाहते हैं, जो वास्तव में सही हैं और सतयुग में जाने के लायक हैं, उनको योग्य बनाया जाएगा कल्कि अवतार के प्रयासों के द्वारा। क्योंकि कल्कि अवतार सिर्फ खुद सतयुग की स्थापना करेंगे और वैकुंठ लौट जाएंगे, ये उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, उनके जन्म का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका ये उद्देश्य है कि आज मानव धर्म भूल चुका है, उस मानव धर्म को फिर से एक बार स्थापित करना, भारतवर्ष फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाए और पूरी दुनिया में सुख चैन शांति कायम हो सके। इसलिए वो किंग मेकर बनाने में विश्वास रखेंगे और अपनी कोशिशों के द्वारा ऐसे योग्य लोगों को आगे ले जाएंगे जो वास्तव में डिजर्व करते हैं कि उन्हें कुछ मिले अब इस युग में, क्योंकि उनके प्रयासों के बावजूद भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कि मिलनी चाहिए। तो अब ऐसे लोगों को ताकतवर बनाएंगे और उनकी सफलता में ही अपनी सफलता को देखेंगे। इनविजिबल है कल्कि अवतार, किंग मेकर कभी भी सबके सामने नहीं रहता है, वो पर्दे के पीछे से काम करता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, वो दूसरों की खुशी में ही खुद की खुशी, खुद की सफलता देख लेता है। तो कल्कि अवतार मानव की सफलता में ही खुद की सफलता समझेंगे और जानेंगे कि हाँ, उन्होंने सतयुग की स्थापना की। तो इस प्रकार उनके मिशन के तहत एक रोल उनके किंग मेकर बनने का भी रहेगा, ताकि आज का इंसान सतयुग में जाने के लायक बन सके, पूरी तरह से शक्तिशाली, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक तौर पर भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।